हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इल्यूजन वीडियो कैसे क्रिएट करेंगे, ये हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है, आप सब इस तरह का वीडियो आप देखे होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इस तरह का वीडियो आपने देखा होगा फेसबुक, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इस तरह का वीडियो देखे होंगे आप लोग। और इस तरह का फोटो किस तरह क्रिएट करके हम वीडियो बनाएंगे, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप बिना स्किप करके देखिएगा, शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। और हम जानेंगे कि किस तरह से इस तरह का हम इल्यूजन फोटो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं अपना मोबाइल से। चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इस तरह का इल्यूजन फोटो जो है वो क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना मोबाइल का जो गूगल ब्राउजर है, गूगल ब्राउजर में चला जाएंगे। तो आप भी अपना गूगल ब्राउजर को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए, हम यहाँ से अपना गूगल ब्राउजर में चला जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना गूगल ब्राउजर जो है उसको आपको ऑन कर लेना है और यहाँ पे सर्च बार में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सर्च करना है हगिंग फेक इल्यूजन, इतना लिख के आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। इतना सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपका सामने फर्स्ट में ही वो वेबसाइट मिल जाएगा। तो जो वेबसाइट आपको फर्स्ट में ही मिल रहा है उस पर आपको यहाँ पे कर लेना है क्लिक। तो चलिए, हम यहाँ ये जो वेबसाइट है इस पर हम यहाँ पे कर लेते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोड लेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये खुल रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा लोड ले रहा है। तो इस तब तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप इमेज हेयर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस पर आपको यहाँ पे कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या होगा कि आपका जो गैलरी है, गैलरी में आपको रिडायरेक्ट कर देगा और वहाँ से जो भी फोटो आप यहाँ पे मतलब कि उसका इल्यूजन बनाना चाहते हैं वो फोटो आपको वहाँ पे ले लेना है। तो चलिए, यहाँ से कोई एक फोटो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना गैलरी में आ जाएंगे और कहाँ पे हमने फोटो रखा है वो उस जगह पे चला जाएंगे। तो यहाँ पे हम पिक्चर में चला जाएंगे। पिक्चर कहाँ पे है, पिक्चर में, तो चलिए ये हम कृष्ण जी को ले लेते हैं। कृष्ण भगवान का जो फोटो है इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। और उस वाला फोटो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका फोटो जो है वो यहाँ पे अपलोड होने लगा। तो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा मोटा सेटिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में, यहाँ पे ये जो लाइन है, लाइन आपको एडजस्ट कर लेना है कि आपका हिसाब से आपको कितना चाहिए नहीं चाहिए। आप दो तीन बार करके देखना कि इतना में आपको कैसा फोटो आ रहा है, और मतलब कि थोड़ा सा उसका लाइन को इधर उधर कर देना है। और यहाँ पे फ्रंट आपको डालना है, यहाँ पे फ्रंट में आप जो भी लिखना चाहते हैं, जिस तरह का फोटो बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी सिंपल सा तरीका बताऊंगा, सिंपल आपको मैं दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे कोई ट्री का नाम दे देते हैं। तो चलिए, हम यहाँ फटाफट से हम कुछ लिख लेते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे ट्री कर लेते हैं, ट्रीज कर देंगे, TREE, गलत हो गया, TREE कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रीज कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे फ्रेंड्स, इसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं रन का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप क्वालिटी हमारा अभी लो है, आप यहाँ पे हाई भी कर सकते हैं, हाई क्वालिटी भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही हमने रन पे क्लिक किया, यहाँ पे साइड में देख सकते हैं हमारा अभी लोड हो रहा है, जो हमारा इमेज है वो अभी बन रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हैं बन के अभी आ गया है, अभी खुलने लगा है धीरे धीरे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है। तो देख सकते हैं इस तरह का इमेज यहाँ पे बन के रेडी होके हमारे सामने खुलने लगा है धीरे धीरे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये फोटो मतलब कि बन के तैयार हो गया और हमारे सामने आ चुका है। तो देख सकते हैं इस तरह से। अगर ये फोटो अगर आपको पसंद नहीं आता होगा तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपना फ्रंट को चेंज कर सकते हैं और इस लाइन को इधर उधर बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ पे हाई लो भी कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे लो कर लेते हैं, देखते हैं कि लो में किस तरह आता है। तो लो कर लिए और यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे रन वाला ऑप्शन में क्लिक करके इसको भगा लेंगे। स्ट्रेट लाइन जो है उसको भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे घटा दिया और यहाँ पे रन वाला ऑप्शन में जाके इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर से इसको रन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे रन पे क्लिक कर दिया, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से नया एक फोटो हमारे सामने आएगा अभी। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। इस तरह का देख सकते हैं इल्यूजन फोटो हमारे सामने फिर से एक नया क्रिएट होके आ गया है। और यहाँ पे अभी भी अगर आपको फोटो पसंद नहीं आता है तो फिर से वहाँ पर रन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, अलग अलग फोटो आपका देते रहेगा। जो अगर वहाँ पे क्लिक कीजिएगा रन पे, अगर आपको फोटो पसंद नहीं आता है तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका चेंज हो जाएगा फोटो, दूसरा बन के आ जाएगा। तभी वही वाला फोटो है, यहाँ पे अभी अपलोड नहीं हुआ है, मतलब कि अब
इसको चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये फ़ोटो अभी चेंज होने वाला है, देखिएगा तो भी देख सकते हैं, अभी तक नहीं आया, चेंज नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी जो इमेज है ये दूसरा है, तभी कुछ और इमेज था, अभी दूसरा इमेज आ गया है, देख सकते हैं। तो इस तरह करके आप अपना, जब तक आपको पसंद नहीं आता है तब तक रन में क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको डाउनलोड किस तरह करना है, डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आप फोटो है, फोटो को लॉन्ग प्रेस करके रखिए और यहाँ पे डाउनलोड इमेज का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। या तो फिर वहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं एक एरो का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमारा काम जो है वो खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं, कोई भी यहाँ पे आपको एक एडिटिंग ऐप्स आपको ले लेना है, जिस पर आपको अच्छा लगता है वो वाला ऐप्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, VN ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे पावर डायरेक्टर कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम अपना काइन मास्टर है हमारे पास, तो अभी काइन मास्टर है तो इसी से हम कर लेते हैं। तो काइन मास्टर में आने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू जो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू का ऑप्शन, उस पर आपको कर लेना है क्लिक, क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो शॉट का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है 9:16 का, तो उस पर आपको कर लेना है यहाँ पे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से क्रिएट वाला ऑप्शन में आपको आ जाना है। आने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इमेज एक ले लेना है आपको, इमेज वाला यहाँ जो सेकेंड नंबर पर आप देख पा रहे हैं ऊपर में, इस फाइल पर आपको कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी ब्लैक व्हाइट कोई भी एक फोटो आपको इमेज ले लेना है। तो चलिए, हमने इमेज ले लिया, इसको थोड़ा सा हमने टाइमलाइन को बढ़ा दिया है। और यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, जो हमने अभी इमेज को डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे हम ले आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इमेज है, और इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, ये इमेज हम यहाँ पे ले लेंगे। और यहाँ से अब इसका काम खत्म हो गया, फिर से हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, ऊपर उठा लेंगे और यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छा से सेट कर लेना है, और इसके बाद इसका काम खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब करना क्या है, फिर से यहाँ पे आपको लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, लेयर में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद मीडिया में आपको फिर से चला जाना है, और हमने पहले से ही एक छोटा सा वीडियो हमने रिकॉर्ड करके रख लिया था, शूट करके रख लिया था, वो वीडियो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो देख लीजिएगा ये वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो वीडियो हमने यहाँ पे ले आया, इसको भी थोड़ा सा क्रॉप करना होगा, ये साइज में बड़ा हो जा रहा है, तो इसको ठीक उस पर इसके नीचे जो सेट हो जाए उस तरह का हम यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेंगे। तो देख सकते हैं, हम फालतू वाला पार्ट जो है उसको हम क्रॉप कर देंगे, तो हम इतना सा ले लेते हैं ताकि वहाँ पे सेट हो जाए। इसके बाद थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, तो इसको अच्छी तरह से इस तरह का सेट आपको कर देना है। इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं उठाएंगे, थोड़ा सा ही उठाएंगे। तो देख सकते हैं हमने इसको उठा लिया है, और फ्रेंड्स यहाँ पे इसका काम जो है अब ख़त्म हो गया है। अब ऊपर वाला जो इमेज है इसका टाइमलाइन थोड़ा सा छोटा है, तो इसको क्या करना है, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करके थोड़ा सा इसको इधर ले आना है, फिर से यहाँ पे नीचे वाला लाइन में जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लैक जो हमने बैकग्राउंड लिया है उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये फालतू वाला पार्ट जो है इसको हम ट्रिम करके हटा लेंगे। हटाने के बाद फ्रेंड्स एक बार आप देख लीजिए दोस्तों, ऊपर में इस फोटो को आप ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर, आपको कोई भी मतलब ऑडियो वहाँ पे बोल लेना है या तो कुछ लिख सकते हैं आप, इस तरह करके आप अपना सेव करके शेयर कर सकते हैं कहीं, मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म में आप इसको अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब में डालिए, इंस्टाग्राम में डालिए, फेसबुक में डालिए, कहीं भी आप सिर्फ फोटो भी पोस्ट कर सकते हैं, अपने फेसबुक में फोटो भी इस तरह का पोस्ट कर सकते हैं, आपको कुछ वहाँ पे लिखने का भी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान सा तरीका था ये, बहुत ही आसान सा तरीका था इल्यूजन फोटो बनाना, क्रिएट करना। हम सोचते थे कि साला ये सब बनाते हैं किस तरह करके हैं, किस तरह करके बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने जाना कि इल्यूजन फोटो किस तरह से क्रिएट करना है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है इस तरह का वीडियो लाने के लिए, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही रिसर्च करके इस तरह का वीडियो हम लाते हैं। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।